हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इस होम थिएटर को रिपेयरिंग करने वाले हैं। जैसे ये जो होम थिएटर है, इसमें पावर की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। इसका क्या प्रॉब्लम है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, वीडियो छोटा होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक हम लोग नॉलेज देने वाले हैं कि ये क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए, एक्चुअली कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं है वो तो बाद के मैटर करता है, पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जो हम लोग खुद ही सही कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो में आपको अगर रिपेयरिंग करना जानना है तो इस वीडियो को आप मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं रिपेयरिंग करने का नहीं बताऊंगा। मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा जिसको आप लो कर सकते हैं। अगर आपके घर में होम थिएटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उस चीज़ों के क्या करिए कि आप उसे ओपन जरूर करिए और चेक करिए कि आपसे बनने लायक है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें बनने लायक होता है और हम लोग चेक नहीं करते हैं और जाके जहाँ पे मैकेनिक होता है, जो भी इसको बनाने वाला होता है, उसके पास दे देते हैं और उससे बनवाते हैं, जबकि वो कुछ नहीं किया रहता है। तो ऐसा ही है कि देखिए, मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे नट बोल्ट है, देखो ये तो इसमें का स्क्रू रहता है, तो ओपन करने का था, ओपन कर लिया था। मैं इसके अंदर देखूँगा कि क्या है, कैसा है, नहीं है। तो इसका जो है किट है, और ये देखिए मैं ओपन कर ही लिया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं ओपन कर लिया हूँ इसको। और ये प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि देखिए, जो इसमें वायर है ना, उसे मूस ने काट दिया था। रेड जो होते हैं उसने एक वायर था जो कट कर दिया था, जिसके वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो अभी क्या किया हूँ कि इसको मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। पर हाँ, एक चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है कि जो कनेक्शन करेंगे हम लोग, तो ये वायर को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये वायर जो है इसी का है कि नहीं। ऐसा ना हो कि इधर का वायर हम इस साइड जोड़ दें और इधर का वायर इस साइड जोड़ दें, क्योंकि देखिए दोनों वायर का जब लगभग सेम ही दिख रहा है, आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगी। तो उसके लिए क्या है कि जो अगर रेड काटा है, तो इस चीज़ों को बहुत बारीकी से, सावधानी से हर चीज़ को देखिए कि जो वायर काटा गया है, वो जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि विपरीत में कनेक्ट हो रहा है। तो एक ये वायर हो गया, और दूसरा वायर भी और भी काटा हुआ था। जैसे में एक ये वायर है जो हम लोग FM जब इस साउंड बॉक्स में चलाते हैं होम थिएटर में, FM का भी सिस्टम है, उसके लिए ये दिया है वायर। उसको तो कनेक्शन आप कैसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है कि ये देखिए, यहाँ पे आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पे भी एक आपको वायर छोटा सा ये देखने को मिल जाएगा। तो एक ये वायर है, तो यहाँ पे भी आप वायर ये कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा जैसा सेम कनेक्शन नहीं करना है, जैसे मैं दिखा दिया आपको को वैसे ही आप भी कर दें, पर आप अपना होम थिएटर खोलिए, उसे ओपन करिए और उसे देखिए कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सही किया जा सकता है। मेरा इस वीडियो में बनाने का मोटिव ऐसा ही था कि आप ऐसे ही अपने दुकानदार के पास मत ले जाइए कि कोई भी सामान के लीजिए बनाए। देखिए, दुकानदार के पास ले जाएंगे तो बनाएगा ही बनाएगा, उससे अच्छा है कि आप खुद ट्राई कर लीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको भी सीखने को मिल जाएगा और आप भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप भी बना सकते हैं आपसे जितना पॉसिबल है। आपको लास्ट में पैसा देना ही रहता है। अगर वारंटी में है तो फिर आप बिल्कुल नहीं छूइएगा। अगर वारंटी कवर हो रहा है आपका तो आप उस चीज़ों को मत छूइए। अगर वारंटी नहीं है तो आप ज़रूर अपने से ट्राई करिए, क्योंकि करते करते ही सीखना पड़ता बहुत सारे चीज़ों को। तो देखिए, ये चीज़ें हमने सही कर दिया। इसमें का जितना भी वायर था कट हुआ था, उस चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरे में दिमाग में आया कि एक बार आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करना चाहिए, ताकि आपके साथ भी ऐसा घटना होता ही होता होगा, जैसे बहुत सारे लोगों के पास भी होता है ऐसा ही। तो मैं जैसा जो वायर है वो कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको इस साउंड बॉक्स की साउंड दिख रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि जो ये स्पीकर था, देखिए स्पीकर को भी ये कट कर दिया है, यहाँ से भी कट कर दिया है, ये देख रहे हैं ये भी अलग अलग कट कर दिया था। देखिए, ये तो मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर होता है, जो मैं इसको निकाल दिया हूँ यहाँ से और यहाँ पे लगा देते हैं। मेल फीमेल का भी कनेक्टर जो रहता है वो बहुत ईजी रहता है कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें भी रहता है कि डायरेक्शन दिया रहता है कैसे कनेक्ट करना है नहीं करना है। ये अपोजिट साइड में कनेक्ट नहीं होता है और एक दूसरे से भी कनेक्ट नहीं होता है। इस चीज़ों को ध्यान दे के ही मेल फीमेल कनेक्टर लगाया जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी सारा जितना भी कट किया है मूस ने, उस चीज़ों को कनेक्शन कर देता हूँ, फिर आपको साउंड इसका दिखाता हूँ कि कैसा बज रहा है। तो अभी मैंने सारा कनेक्शन कर दिया, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने वायर कनेक्ट करने के बाद से टेप मार दिया। अच्छे तरीके से टेप मार दीजिएगा ताकि टच नहीं होना चाहिए, टच होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे दो वायर है, एक यहाँ पे है
और स्पीकर के पास भी है दो, ठीक है, दो नहीं है, स्पीकर के पास चार है, एक जैसे कि एकदम मेन स्पीकर है वहाँ पे भी कट हो गया था, ये यहाँ पे भी कट हो गया था, तो बहुत सारा कट था। तो मैंने ये सारा जितना भी कट था अच्छे तरीके से फाइंड करके कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको बजाऊंगा और टेस्ट करूंगा आपके सामने ही कि कैसा इसको बज रहा है। तो इसको करने के लिए इसको क्या करते हैं कि इसमें स्पीकर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इसमें लेफ्ट राइट नहीं रहता है, सारा स्पीकर एक एक साइड के लिए है। अगर आप एक साइड का कनेक्ट करेंगे तो एक ही साइड में आवाज़ आएगा, मतलब बहुत ही कम में भी शायद नहीं भी आए। अब ऑन करते हैं पावर इसको, और पावर ऑन करने के बाद से इस चीज़ों को आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया और इसके बाद से यहाँ पे स्पीकर भी है, और पावर ऑन करने के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या मोड में जा रहा है, कैसे है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि कोई पावर नहीं बता रहा है, आई थिंक यहाँ से बंद है, हाँ बंद है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि ये चालू हो गया है, यहाँ पे इंडिकेटर कर रहा है। अब मोड जो भी सिलेक्ट करना होगा कर लेते हैं, मैं ब्लूटूथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद से इस चीज़ों को कनेक्ट कर लेता हूँ, या चाहे तो आप रिमोट से भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तब यहाँ पे मैं म्यूजिक को साउंड ऑन करूँगा, तो इसका साउंड देखिए और इंजॉय करिए, और बिना पहने हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।